हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बूम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने विंडोज मशीन में फोल्डर्स का आइकन कैसे चेंज करें। तो करना क्या, आपको सबसे पहले आ जाना है अपने फोल्डर पे, जिस फोल्डर का आप आइकन चेंज करना चाहते हो। तो कुछ नहीं करना, उस फोल्डर पे सिंपल आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फोल्डर के प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब दिखेंगे, लाइक शेयरिंग, सिक्योरिटी, प्रीवियस और कस्टमाइज। तो आपको आना है कस्टमाइज ऑप्शन पे। कस्टमाइज पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेंज आइकन। इसके बाद आपको चेंज आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें से आपको जो फोल्डर आपको चाहिए वो फोल्डर आप चूज कर लीजिए। सपोज डेट मैं ये चूज कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, देन अप्लाई, देन ओके। आप देख सकते हो ये मेरे फोल्डर जो था पहले इस कलर का था, ठीक है, येलो कलर का, अभी जो है ये पीसी बन गया है। तो इस तरह करके आप अपने सिस्टम पे फोल्डर चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।